बोरा ले बोरा 10 टका पीस बोरा MDM का बोरा ले भाई जी। जल्द ही झारखंड के शिक्षक आपको बाजार में बोरा बेचते नजर आ सकते हैं और ये हो रहा है राज्य सरकार के दिए एक फरमान के कारण। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले बिहार सरकार के इसी फैसले की फजीहत की जा रही थी। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूलों में कम समय दे पाते हैं क्योंकि कभी इन्हें चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया जाता है तो कभी सर्वे के कामों में। अब इन शिक्षकों को एक नए काम में लगाया जा रहा है और वो काम है बोरा बेचने का। दरअसल मिड डे मील के लिए अनाज से भरे बोरे जो स्कूल पहुंचते हैं, शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी जारी कर उन बोरों को बेचने का निर्देश दिया है। यानी स्कूल खत्म करने के बाद शिक्षक बोरा बेचते भी नजर आ सकते हैं। सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। ये हद कर दी झारखंड सरकार ने, अब ये शिक्षा का अलख जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बेचवाएंगे और मध्यान्ह भोजन के लिए जो बोरे आते थे अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डाले। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्यान्ह भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं तो कभी सर्वे में लगा देते हैं और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का कार्य ही करने देना चाहिए। देखिए सरकार का यह जो आदेश है, विभागीय यह आदेश अपने आप में एक उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि विद्यालयों में जो खाद्यान्न आता है वो बोरे में बंद हो करके ही आएंगे और खाद्यान्न के खपत के बाद जो बोरे खाली होते हैं उससे पहले ही अधिकतर बोरों को चूहे कतर चुके रहे होते हैं, उसका मैंने मूल्यांकन करना भी संभव नहीं होता है। और कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों को तो विद्यालयों में खाद्यान्न से मतलब है, बोरे का बहुत उपयोगिता नहीं महसूस होता है, फिर भी अब बोरे के थ्रू ही बांध करके सप्लाई की जाती है। तो बोरों का हिसाब अपने आप में मेरी समझ से सरकार का यह मैंने हिसाब किताब लेना अपने आप में उचित नहीं जान पड़ता है। टीचर का काम है बच्चा को पढ़ाना, शिक्षा देना और उसको अच्छा भविष्य सुधार करना। रहा सवाल चावल की बोरा कोई करने खाता में बैंक में जाएगा जो सरकार का, वो तो गलत है। बहरहाल बिहार में हमने सड़कों पर शिक्षकों को बोरा बेचते देख लिया है, अब आने वाले दिनों में यही तस्वीर झारखंड में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इस बात को समझे कि जिस तरह ऑटो चालक को हम हेलीकॉप्टर उड़ाने का जिम्मा नहीं दे सकते, उसी तरह शिक्षक का काम बच्चों के भविष्य को संवारना होता है, न कि सड़कों पर आवाज लगाना बोरा ले लो। विद्यालय की शिक्षकों को अब मिड डे मील में आने वाले खाली बोरे का भी हिसाब रखना होगा और इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं इस निर्णय को लेकर अब सूबे में सियासत शुरू हो गई है। अपने सहयोगी विजय कुमार सिंह के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।